इस प्लेलिस्ट में हर सेक्शन का एक अलग वीडियो होगा तो हमारा जो पहला सेक्शन है हम कवर करेंगे गवर्नेंस गवर्नेंस में पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली एनसीटीडी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ट्वेंटी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली न्यूज में था सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीडी को दैट मींस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एक ऑर्डिनेंस इशू किया है जो कहता है अमेंड करो जी एनसीडी एक्ट नाइनटीन तो ये टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमारे लिए जानना जरूरी है वो है कि जी एन सी टी डी एक्ट बेसिकली क्या होता है और ऑर्डिनेंस हम किसको बोलते हैं ठीक है ठीके? तो जीएनसीटीडी एक्ट बेसिकली है क्या ये डिफाइन करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन एन सी टी डी डेली में आपकी केजरीवाल की गवर्नमेंट है तो ये एक्ट क्या करेगा ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इन डेली ठीक है ये आपको बोलता है कि कैसे गवर्नमेंट आपकी फंक्शन करती है इसके तीन में मेन कॉम्पोनेट्स आप देख लो पहला है जो बोलता है डेली यूनियन टेरिटरी की एक लेजिस्लेटिव असम्बली होगी आप लोगों को पता होगा अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि हर यूनियन टेरिट्री की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है किस किस की होती है एक आपकी डेली की है एक पुडुचेरी की है और रिसेंटली इसमें कौन सा नाम एड हुआ है जे इन तीन यूनियन टेरिटरीज की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो पहला कॉम्पोनेट कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसमें एमएलए होंगे उनको कौन इलेक्ट करेगा पीपल ऑफ डेली सेकेंड कॉम्पोनेट कहता है एक एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा होगा अपॉइंटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आपकी टेरिटरी का और थर्ड है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ठीक है तो ये बेसिक आइडिया आपका जीएनसीटीडी एक्ट होता क्या है जो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बताता है कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है क्या और सेकेंडली uh, हम देखते हैं ऑर्डिनेंस क्या होता है देखो आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है उसके तीन सेशंस होते हैं ठीक है एक आपका बजट सेशन आ गया एक आपका मॉनसून सेशन है और एक आपका विंटर सेशन है तो जब आपको पता है कि पार्लियामेंट का, का काम क्या होता है लॉज पास करना तो जब वो सेशन में नहीं होती है तब अगर जरूरत पड़े कोई लॉ पास करने की तो वो कौन करता है बेसिकली गवर्नमेंट जो है आपकी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उनको अथॉरिटी है कि वो उस टाइम पे एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और वो जो ऑर्डिनेंस है वो आर्टिकल 123 में मेंशन किया गया है फॉर सेंटर एंड आर्टिकल 213 में मेंशन किया गया है फॉर स्टेट दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट विद द असेंट ऑफ प्रेजिडेंट और स्टेट विद द असेंट ऑफ गवर्नर ऐसा ऑर्डिनेंस पास कर सकती है अब जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है क्या ये टेम्प्ररी रहेगा या परमानेंट ये टेम्प्ररी प्रोविजन है जब वेन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट स्टार्ट उसके सिक्स वीक्स तक इसकी लाइफ उसके स्टार्ट होने के सिक्स वीक्स बाद तक इसकी लाइफ रहती है फिर चाहे वो इसको कॉन्टिन्यू करें या सिक्स वीक से पहले उसको डिसकॉन्टिन्यू भी किया जा सकता है और उस ऑर्डिनेंस में आप उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉज पास कर सकते हो जो पार्लियामेंट अपने नेचुरल कोर्स में जिन सब्जेक्ट्स पे लॉज पास कर सकती है उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस भी सिर्फ पास हो सकता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ सेंटर तो ये आपका हो गया ऑर्डिनेंस और जीएनसीटीडी एक्ट क्या होता है उसके बाद हम देखते हैं न्यूज में क्या था बेसिकली न्यूज में था ये जो ऑर्डिनेंस है ये नलिफाई करता है एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अब वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया आर्टिकल 239 थर्टी ए ए को उन्होंने कहा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की उसका लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर है ओवर दी सर्विसेज जो आता है सेवंथ शेड्यूल में ठीक अब आप सोच रो कि शेड्यूल्स क्या है वो नाम श्योर आपको पता होगा पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन देखो पार्लियामेंट इसके आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है एक आपका आर्टिकल आ गया आपके शेड्यूल्स है प्रीएम्बल है पार्ट्स है हमें यहाँ पे देखना है शेड्यूल्स क्या होता है देखो शेड्यूल्स में वो चीजें आती हैं जो इंपॉर्टेंट है बट दे आर नॉट रिटन इन आर्टिकल्स जो आपका मेन कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स दे आर नॉट रिटन देर उनको क्या करते हैं उनको आप शेड्यूल्स में डालते हो दैट मीन इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप आर्टिकल्स के साथ जोड़ो या मेन कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डालो बेसिकली लाइक आपका एनेगजर होता है किसी बुक का किसी एक टॉपिक का एनेजर जैसे होता है वो आपका सिंपली शेड्यूल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल वन सी आर्टिकल वन इंट्रोड्यूस अस विद ऑफ टेरिटरीज एंड योर कंट्री योर स्टेट बट इट डज नॉट इंक्लूड नेम्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज अब वो कहाँ प्रेजेंट है दैट इज गिवन अंडर शेड्यूल वन फाइन तो ऐसी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है बट इज नॉट दैट मच क्रूशल वो आपके शेड्यूल्स में ऐड होती है तो सेवेंथ शेड्यूल क्या कहता है देखो कोई भी लॉ बनाने के लिए क्या किया है सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया है अंडर डिफरेंट लिस्ट एक आपका यूनियन लिस्ट है एक आपका स्टेट लिस्ट है एक आपका कंकरेंट लिस्ट है तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे सिर्फ सेंटर लॉ बना सकती है फॉर एग्जांपल आपका डिफेंस आ गया रेलवेज आ गया एटॉमिक एनर्जी आ गया या आपका जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर आ गया ये लैंड एंड ऑर्डर है लैंड है पब्लिक ऑर्डर है उस पर आपका स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और कॉन्ट में जो है दोनों बना सकते हैं आपका सेंटर भी स्टेट भी पर इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट विल हैव ए प्रेसिडेंस और द लॉज मेड बाय द स्टेट इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो ये जो वर्डिक्ट है ये क्या कहता है सर्विसेज आपका आता है सेवेंथ शेड्यूल में ये कहता है जो वो सर्विसेज है उस उसपे डेली गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर है अब यह सर्विसेज होता क्या है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू दी अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर ऑफ द द्लॉज ऑफ डेली गवर्नमेंट और उनकी विजिलेंस तो अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज डेली गवर्नमेंट एंड विजिलेंस इस पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर है डेली गवर्नमेंट का ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है बेसिकली जो हमें पढ़ना है ये ऑर्डिनेंस इस पावर को नलिफाई करता है कहता है कि जो डेली लेजिस्लेटिव असेंबली है विल नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सर्विसेज जो किसके अंडर आता है लिस्ट सेकेंड दैट मीन आपकी स्टेट लिस्ट में ठीक है जैसे मैंने कहा सेवेंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और लिस्ट स्टेट लिस्ट के अंडर सर्विसेज आता है पहले कहा गया था इस सर्विस सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्विसेज पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हक है डेली गवर्नमेंट का इस ऑर्डिनेंस ने इस चीज को नलिफाई किया ये है ये ऑर्डिनेंस अब इसको नलिफाई किया तो वो पावर किसके पास गया उसके लिए उन्होंने एक नई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का ये रेकमेंड करेगी एल को रिगार्डिंग दैट सर्विसेज वो सर्विसेज क्या है पोस्टिंग विजिलेंस और अदर इंसिडेंटल मैटर्स रिलेटेड टू द्लॉज ऑफ डेली गवर्नमेंट ठीक है तो ये जो एनसीसी ऐसे है इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ डेली होंगे जो चेयरपर्सन होंगे अथॉरिटी के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट और इनको कौन अपॉइंट करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी मैटर्स है रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय एन सी वो किस पे डिसाइड होंगे मेजोरिटी ऑफ वोट्स बेसिस पे और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको डिस्क्रिशनरी रोल दिया गया है दैट मीन्स इनका जो अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो उसमें जो एल जी का डिसीजन है वो फाइनल रहेगा अब देखो इसमें क्या है जो अगर आपने न्यूज में भी देखा होगा ऑफन यूटीज में क्या होता है जैसे इसमें डेली, डेली के केस में एक जो गवर्नर है और जो सीएम है उनके बीच में हमेशा एक टसल या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हम सुनते हैं वो क्यों होता है क्योंकि गवर्नर को काफी बारी बोला गया है कि वो एजेंट ऑफ सेंटर है ठीक है और वहां से आपकी स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके ख्याल यूजली नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे भी डेली में के केस में भी आपने देखा होगा या किसी स्टेट्स के केसेस में भी हम देखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती है तो अब आप क्या कर रहे हो आप उस ऑर्डिनेंस से डेली गवर्नमेंट को पावर ले रहे हो बाद में एक अथॉरिटी एक बॉडी या बना रहे हो लेकिन उसमें डिस्क्रिप्शन पावर आप एल का रख रहे हो तो सेंटर का इन्फ्लुएंस जो है सेंट्रल अथॉरिटी इसमें ज्यादा हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम है इस ऑर्डिनेंस के साथ अब देखो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है ऑफ द प्रेजिडेंट एंड गवर्नर वर्ड जो ऑर्डिनेंस है ये बेसिकली पहले हमें स्टार्ट कहां से हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और यहाँ से 1935 से अपना पावर जो है वो डिराइव करता है इसको बोला जाता है लॉ प्रोमिलगेटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर ठीक है क्या होता है लेजिस्लेचर uh, अप्रूव नहीं कर सकती है बिकॉज दैट इज नॉट इन सेशन अब बेसिकली क्या होता है अगर कोई भी ऐसा लॉ लाना है आप चाहते हो कि वो बाईपास हो जाए मतलब वो स्क्रूटनाइज नहीं हो पार्लियामेंट में वो द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में स्क्रूटनाइज नहीं हो आप क्या कर सकते हो चालाकी करके उसको ऑर्डिनेंस के फॉर्म में ला सकते हो तो ये ऑर्डिनेंस का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसीलिए कहा जाता है इसको सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना चाहिए लेकिन सैडली ऐसा नहीं होता है अगर हम देखें इश्यूज क्या क्या है विद ऑर्डिनेंस मेकिंग तो पहला इसको ओवर यूज़ हो गया क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सट्रीम केसेस में होना चाहिए लेकिन इट हैज़ बीन ओवर यूज और काफ़ी इंपॉर्टेंट uh, जो चेंजेस लाई गई गवर्नमेंट्स में वो बाय द वे ऑफ ऑर्डिनेंसेस लाई गई जैसे आर्टिकल थ्री सेवेंटी को हटाना वो भी एक ऑर्डिनेंस के जरिए आया था सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉज बनाता है विच गोस अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी नहीं है लॉ बनाने की वो इम्प्लीमेंट करता है लैक ऑफ क्लैरिटी क्योंकि ऐसा बोला गया है आर्टिकल में कि इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएगा लेकिन वो क्या है उसको डिफाइन नहीं किया है सही से अकाउंटेबिलिटी ऐसे कम हो जाती है क्योंकि ऑर्डिनेंस बाईपास करता है लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को और हैम्पर करता है बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट को और बोन ऑफ कंटेंशन रहा है सेंटर स्टेट के बीच में जैसे मैंने कहा यूटीज में और स्टेट्स में प्रॉब्लम रहती है ऑर्डिनेंस को लेके क्योंकि काफी सारा जो सिस्टम है लॉ मेकिंग का वो इसमें डिसरप्ट हो जाता है तो ऑर्डिनेंस को एक बार फिर से देखते हैं इट इज वैलिड फॉर सिक्स वीक्स जैसे मैंने पहले कहा था फ्रॉम द डेट वेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट से टेम्प्री नेचर का होता है इट मे लैप्स अर्लियर सिक्स वीक्स से पहले भी लैप्स हो सकता है अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर इसको विड्रॉ करे या अगर बोथ द हाउसेज कोई रेजोल्यूशन पास करें ऑर्डिनेस कैन ओनली बीज इशूड ऑन दी मैटर्स जिसपे पार्लियामेंट को अथॉरिटी है लॉ बना गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है पास नहीं कर सकते हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ प्रेजिडेंट तीन केसेस में किस केस में अगर वो कोई ऐसी बिल है जिसमें प्रोविजन है जिनके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट जरूरी है या सेकेंड अगर गवर्नर को लगे कि बिल को रिजर्व करना फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेजिडेंट इम्पॉर्टेंट है थर्डली अगर एक्ट में ऐसा कुछ भी प्रोविजन होगा जो इनवैलिड हो जाएगा अगर प्रेजेंट का असेंट ना मिला हो इन केसेस में रेफरेंस ऑफ द प्रेजिडेंट जो है गवर्नर के लिए वो जरूरी है कंक्लूड करते हैं तो डिफाइन करना टर्म्स को जो मेंशन है अंडर आर्टिकल वन टू थ्री फॉर यूनियन एंड टू वन थ्री फॉर स्टेट जैसे इमरजेंसी सिचुएशन नेसेसिटी वगैरह इसको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए टू प्रिवेंट द मिसयूज और एग्जीक्यूटिव को भी मिसयूज नहीं करना चाहिए अपना पावर एंड शुड एक्सरसाइज सेल्फ रेस्ट्रेन एंड यूज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर

इसने डिफाइन किया था प्रिजन को एज एनी जेल और प्लेस यूज परमानेंटली और टेम्परिरीली फॉर द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें प्रोविजन थे फॉर प्रिजनर्स एम्प्लॉयमेंट हेल्थ एंड विजिट्स को लेके भी लेकिन एम एच ए ने क्या देखा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को लगा कि इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं इस एक्ट में और इस पर सही एम्फिसाइज नहीं किया गया है इस एक्ट में करेक्टिव मेजर्स पे

इन करेक्टिव मेजर्स पे इन रिफॉर्मेटिव मेजर्स पे इस एक्ट में ज्यादा ध्यान नहीं गया था इस वजह से एम ने क्या किया डायरेक्ट किया बी को दैट इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिव्यू करो लॉ को और प्रिपेयर करो एक नया ड्राफ्ट विच फाइनली कलिमिनेटेड इनटू टू मॉडल एक्ट ट्वेंटी ये जो प्रेजेंस एक्ट है इसको रिव्यू भी किया गया था यहाँ पे आप देख लो प्रिजनस एक्ट 1894 के साथ प्रिजनर्स एक्ट 1900 एंड ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950 इसके साथ इनको भी रिव्यू किया गया ठीक है और जितने सारे रेलेवेंट प्रोविजनस हैं उनको फाइनली एसिमिलेट करके इस मॉडल एक्ट में डाला गया है अब देखो नीड क्या है हमें जरूरत क्या पड़ी इसको रिफॉर्म करने की ये इंफॉर्मेशन आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है पहला मेन आप होगा कॉलोनियल हैंगओवर कॉलोनियल हैंग क्योंकि काफ़ी पुराना एक्ट था इसको चेंज नहीं किया इनफैक्ट इसमें जो विपिंग थी वो भी अलाउड की गई थी थर्टी से कम और मेल प्रिजनर्स के लिए सिर्फ और इन प्रिजन प्रस को रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाया गया था ये मैंने आपको बताया और बेटर फैसिलिटी ताकि मिले किन को प्रिजनर्स को इस वजह से इस एक्ट को रिफॉर्म करना चाहिए जैसे लिविंग एंड हेल्थ फैसिलिटीज लाइब्रेरीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह और एड्रेस करना इशूज को लाइक like जेल में बाई अराइवल गैंग अपनी मूवीज वेब सीरीज ने भी देखा होगा अंदर वो गैंग्स बनते हैं ठीक है फिर अः गैंग्स के आपस में लड़ाइयाँ होती हैं मर्डर भी होते हैं तो इन सारी चीजों को भी अड्रेस करने के लिए जो रिफॉर्म है इस एक्ट का होना जरूरी था बाकी के इश्यूज फेस करते हैं अंडर ट्रायल काफी ज्यादा है दैट मीनस अभी उनका ट्रायल ही चल रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में उसके बाद वो गिल्टी प्रूव होंगे और सजा मिलेगी और ट्रायल के बाद अगर वो इनोसेंट प्रूव हो गए तो काफी साल इसमें वेस्ट हो जाते हैं काफी साल उनको फालतू में अपने जो जेल में निकालने होंगे तो सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ जेल इनमेट जो है वो स्टिल अंडर ट्रायल्स है हाई ऑक्यूपेंसी है प्रेजेंट में इतनी फाइव लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड थर्टी फोर जो है पीपल रहते हैं फाइव लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स अंड्रेड नाइन जो है वो कैपेसिटी है ठीक है तो ये एक अगर स्टेटिस्टिकाहे अराउंड फाइव लाख फाइव पॉइंट फाइव लाख और अराउंड लाख करके आप एग्जाम में लिख सकते हो डिफिकल्टी इन ऑप्टेनिंग बेल सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो बेल है वो आ, आ, आसानी से मिलनी चाहिए पर ऐसा होता नहीं है कि लैक ऑफ सपोर्ट फॉर फाइलिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन या ऐसे कुछ बेल कंडीशंस के साथ कंप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से बेल नहीं मिल पाती है तो इस कॉन्टेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूनियन गवर्नमेंट को कहा कि इंट्रोड्यूस करो एक सेपरेट बेल बेल एक्ट ताकि सारा जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए बेल ग्रांट करने से पोजिशन की वो वेकेंट है इससे क्या हो जाएगा आपकी एफिशिएंसी जो है डिपार्टमेंट की वो सही नहीं रहेगी और बर्डन बढ़ेगा उन ऑफिसर्स पे जो वहां पे काम कर रहे हैं लीडिंग टू तो पोअर मैनेजमेंट अननेचुरल डेथ जैसे आपकी सुसाइड वगैरह उनके भी केसेस काफी हाई है तो रिफॉर्म क्या सजेस्ट किए गए हैं इन प्रिजन uh, को रिफॉर्म करने के लिए क्या सजेस्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने तीन ब्रॉड प्रिंसिपल्स कहे पहले कहा जो पर्सन है जेल में नॉन पर्सन नहीं बनता है इसके सारे जो लीगल uh, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज उसको हैं वो जो uh, uh, उस प्रिजनर के लिए हैं वो सारी एप्लीकेबल होती हैं सेकेंड ही इज एन टू ऑल द ह्यूमन राइट्स विद इन द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट क्योंकि ये याद रखना होगा ये एक कैदी है और कोई उसको जो ऑलरेडी वो सफर कर रहा है उस सफरिंग को एग्रीवेट नहीं कर सकते उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इजी करो बेल प्रोविजंस को सेक्शन 436 ए एफ थर्टीसी ने कहा कि अगर जो आपका मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट है उसका 50 परसेंट आप ऑलरेडी काट चुके हो तो यू आर एंटाइटल टू बी रिलीज ऑन बेल ठीक है और जो बेल केसेस है उनको जल्दी डिस्पोज ऑफ करो मुला कमेटी ने इसमें कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी थी उसके चेयरमैन थे जस्टिस ए जस्टिस ए एन मुला

मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 इसने क्या कहा यूनिफॉर्मिटी लेके आओ रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो गवर्न करता है इन को ऑल द कंट्री ऑल अक्रॉस द कंट्री सेम रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आओ ठीक है और ओपन प्रिजंस का जो ये है स्टेब्लिशमेंट वो स्टार्ट करो इन ओपन प्रिजंस में क्या होगा मिनिमल सुपरविजन होगी एंड पैरामीटर सिक्योरिटी और लॉकडप सेल्स नहीं होंगे तो काफी uh, मतलब कम आपको सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी अगर ये ओपन प्रेजेंस होंगे लेस स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी देन जेल तो मंथली कॉस्ट जो सिर्फ रुपीज फाइव हंड्रेड पर प्रिजनर होगा दैट मीन्स आपके लिए ये रेवेन्यू uh, वाइज भी आपके लिए ठीक है एंड जो ओपन प्रिजन मॉडल है वो अडॉप्ट किसने किया है राजस्थान ने अब एक जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है

पहला हुआ एनकरेज करो गुड कंडक्ट प्रोविजंस लेके आओ पेरोल फॉर पेरोन के पेरोल होता है जब आपको किसी एक कंडीशनल रिलीज मिले किसी रीजन की वजह से फॉर एग्जांपल कोई बीमार है या कहीं किसी के किसी बेटे की बच्चे की, बच्चे की शादी है इस वजह से ठीक है फर लॉ होता है जो लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट में आपको मिलता है और जो पीरियड है उसको ट्रीट किया जाता है एज अ रेमिशन रिडक्शन ऑफ इस सेंटेंस और जो बेल है वो आप रिलीज जो लाते हो फ्रॉम प्रिजन से वो इंसान हु इज़ अवेटिंग ट्रायल और एन अपील और रिफॉर्मेशन और रिहाबिलिटेशन पर दिया आन दो कैसे ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंज टुवर्ड्स द प्रिजनर्स और इनकी एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो इनकी सेफ्टी के लिए हाई टेक्नोलॉजी लेके आओ जेल्स में हाई सिक्योरिटी जेल्स और सेपरेट अकोमोडेशन फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इनमेट्स और बाकी मेजर्स प्रोविजन फॉर ओपन एंड सेमी ओपन जेल्स इनको भी इंसर्ट uh, किया गया है इस मॉडल एक्ट में और मेजर्स फॉर प्रिजनर्स टू वीडियो कॉन्फ्रेंस विद कोर्ट्स हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस और अलोंग विद दिस एक्ट जो प्रिजनर एक्ट 1900 है और ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट 1950 है इनको भी रिव्यू किया गया है और जो भी रिलेवेंट प्रोविजन है उनको एसेमलेट किया है मॉडल एक्ट में ठीक है तो इसमें आप देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बोला प्री के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए मेंस है. अभी न्यूज एंड शॉर्ट्स देख लेते हैं तो पहले हम विप देख लेते हैं विप आप किसको बोलते हो विप आप आ, एक रिटर्न ऑर्डर को भी बोल सकते हो जो दिया गया होता है टू द मेंबर्स ऑफ पार्टी इन द हाउस अबाइड करने के लिए सर्टन डायरेक्शंस या एक ऑफिशियल को भी बोल सकते हो जो जिसको ऑथराइज किया जाता है टू इश्यू सच अ डायरेक्शन ठीक है तो अभी न्यूज में क्यों है रिसेंटली एक बेंच बैठा था इन शिवसेना केस उन्होंने कहा था अपॉइंट करना विप पावर है पॉलिटिकल पार्टी का और ना कि लेजिलेचर पार्टी का लेजिस्लेचर पार्टी आप बोल सकते हो जो सिर्फ लॉ मेकिंग के साथ कंसर्न है और पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इसकी उसका ब्रॉड फंक्शनिंग होता है तो लेजिस्लेटिव पार्टी उसका एक सब फंक्शन सब पार्टी जैसी है जो सिर्फ लॉ मेकिंग पे ध्यान देती है ये इसका काम नहीं है ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है और कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट ऑफ द विप कि स्पीकर को रिकॉग्नाइज करना होता है द विप एंड लीडर ऑथराइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी ठीक है स्पीकर डिसाइड करेगा उसकी डिस्कालिफिकेशन ये किसमें दिया गया है टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को भी डिस्कस किया गया है ये आपके पॉलिटी का पार्ट है पे पे मैं डिटेल डिटेल में में डिस्कस नहीं करूंगी विप भी आप इन वहां लक्ष्मीकांत बुक में पढ़ लोगे ठीक है और स्पीकर शुड डिसाइड ऑन पेंडिंग डिस्कॉलिफिकेशन पिटिश एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में और जो एम एल एज है दिल है राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग चाहे वो जो पिटिशन फॉर डिस्कालिफिकेशन जो है अभी पेंडिंग हो ठीक है फ्लो टेस्ट को बोला गया फ्लो टेस्ट आपने पढ़ा होगा क्या है कि जहाँ पे आपको प्रूव करना जहाँ पे ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंडक्ट करना फ्लोर टेस्ट जहाँ पे जो सीएम है गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है उसको मैं जो अपना कॉन्फिडेंस जो पार्लियामेंट है स्टेट लेजिस्लेटर में वो प्रूव करना होता है ठीक तो आर्टिकल 142

इ रिट्रेबेबली ब्रोकन डाउन जहां पर आपस दो उनका रिकनसाइल होने का कोई चांस नहीं है तो इट कैन डायरेक्टली ग्रांड डिवोर्स सुप्रीम कोर्ट अगर आप सेक्शन थर्टीन बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट देखो पहले जब इंसान सीख करता है डिवोर्स थ्रू म्यूचुअल कंसेंट उसके बाद जो पार्टीज है दैट मीज जो कपल है उनको वेट करना पड़ता है मिनिमम ऑफ सिक्स एंड मैक्सिमम ऑफ एटीन मंथस बिफोर मूविंग द सेकेंड मोशन ठीक है तो पहला उनका कंडीशन ये है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 142 को यूज करके क्या कहा डायरेक्टली मैं ग्रांट कर सकता हूं डिवोर्स लेकिन ये जो है ये डिस्क्रिशन है इसका नॉट अ मैटर ऑफ राइट दैट मीन केस टू केस बेसिस पे ही डिसाइड होगा किसके लिए आर्टिकल वन प्रोवाइड्स टू सुप्रीम कोर्ट द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज ठीक है ये मैंने आपको बोला और कुछ जजमेंट है इसको लेके ये भी आप चाहे तो आप ध्यान रख सकते हो फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ पे है एज पर द कोर्ट रिकॉर्ड और ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट की ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इं, इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जुरिस्डिक्शन है और नॉमन क्लेचर है ऑफ सबॉर्डिनेंट जुडिशरी वो डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट होता है स्लाइटली डिफर करता है बिकॉज दे आर लेड बाई लेड डाउन बाई ठीक थी है अपॉइंटमेंट पोस्टिंग और प्रमोशन जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की हैं, दे आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेसन हाई कोर्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है ऐसी स्टेटमेंट्स कभी आपको डायरेक्टली एग्जाम में आ जाती है अभी न्यूज में क्यों है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिस्ट्रिक्ट जुडीश्री की जो इंडिपेंडेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये भी आप अपने पॉलिटी में इन डिटेल में पढ़ोगे ये सारी चीजें ठीक है अब यहाँ पे देखो रिक्यूजल बाय जजेज रिक्यूजल बाय जजेज दरअसल होता क्या है रिक्यूजल बाय जजेस सुप्रीम कोर्ट अब रिक्यूजल बेसिकली होता क्या है अगर कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट है जो भी केस जज सुन रहा है उसमें तो खुद को रिक्यूज करते, है करते हैं या विदड्रॉ करते हैं फ्रॉम द केस ताकि वो प्रिवेंट करे of being biased, ठीक है अगर वो जज किसी तरीके से उस चीज में इन्वॉल्व है जो कि वो केस सुनने वाला है तो वो मॉरल हैक ग्राउंड लेके खुद को वि कर लेते हैं केस से पर रिसेंटली एक जज ने ये रिफ्यूज किया है एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर की प्लीज सुनने में आ, खुद को रिक्यूज करने से उन्हें रिफ्यूज किया है तो की प्रिंसिपल आपको क्या इसमें ध्यान रखना है नेमोजिटिक्स इन स्वाकोजा ये एक लैटिन लीगल टर्म है ठीक है इसका मतलब नो पर्सन शल बी ए जज इन हिज ओन केस तो ये नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं कुछ और जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो मस्ट बी सीन टू बी डन ठीक है ये इंडिया के पास कोई क्वडिफाइड रूल नहीं है गवर्न करने के लिए रिक्यूजल्स को इट्स सोली डिपेंड्स ऑन द कॉन्शंस एंड द डिस्क्रीपन ऑफ द जज एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर विड कर लेता है खुद को पर अभी जैसे जो केस मैंने कहा संजीव बट जो फॉर्मर आई पी एस ऑफिसर है उनके साथ ऐसा केस हुआ था कि जज ने खुद को रिक्यूज नहीं किया था इफ ए जज रिक्यूजेज हिम सेल द केस इज लिस्टेड बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर द अलॉटमेंट टू एन ऑल्टरनेट बेंच अगर खुद को रिक्यूज करता है तो चीफ जस्टिस जो है वो ऑल्टरनेट बेंच को वो अलॉट करता है केस ठीक है इसकी भी जो जजमेंट्स हैं चाहे तो आप याद कर सकते हो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे एग्जाम्स में नहीं आती हैं पर अपने आंसर को एक्स्ट्रा एच देने के लिए चाहे तो याद कर सकती हो काइंड ऑफ रिक्यूजल ऑटोमेटिक है जहाँ पे जज खुद को विद्रॉ करता है और मैंने पार्टी रेजेज अब प्ली एक वो वाला हो जाता है जहाँ पार्टी रेज करती है प्ली किस को रिक्यूज करो और जहाँ पे जज खुद ही खुद को रिक्यूज करते हैं ई गवर्न स्टेट केरला पहली स्टेट बनी है फुली ई गवर्न स्टेट ठीक है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ये भी आप पढ़ लोगे जी एस आपको जनरल स्टडीज में ई गवर्नेंस के बारे में ई गवर्नेंस मॉडल्स के बारे में इन डिटेल पढ़ना है तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं केरला ने केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट जिन्होंने इंटरनेट एक्सेस को एक सिटीजन राइट बनाया है और ई सेवनम एक सिंगल पोर्टल नाइन हंड्रेड पब्लिक सर्विसेज का टू तो तालुक लेवल ऑफिस ठीक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें इंडिया का रैंक आया है वन सिक्सटी आउटी वन आउट ऑफ वन एटी ये रैंक आप याद रख सकते हो और प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन रिलीज करता है बाई पैरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फाइन टॉप थ्री पोजिशन किसने ली है नॉर्वे आयरलैंड एंड डेनमार्क ने ठीक है और ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कब होता है थर्ड मे और इसको इवेलुएट किया जाता है फाइव इंडिकेटर्स पे ये इंडिकेटर्स भी याद रख लेना पॉलिटिकल लीगल इकोनॉमिक सोशो कल्चरल कॉन्टेक्ट एंड सेफ्टी के बेसिस पे इंडिया का क्या नंबर है इसमें वन सिक्सटी आउट ऑफ वन एटी इंटरनेट शटडाउंस को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है कम्प्लायंस सीकिंग द कम्पलायंस ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स जजमेंट इन द अनुराधा बासन केस कम्प्लाई करो अनुराधा बासन केस uh, के जो प्रोविजन्स है उसके साथ ये केस बेसिकली किसके रिलेटेड है जब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जब रिवोक किया गया था आर्टिकल थ्री सेवेंटी को तो कितनी टाइम तक आपने इंटरनेट शटडाउन किया था उसको लेके कुछ गाइडलाइंस प्रपोज की गई थी इस केस में कि कोई भी ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विस से इंडेफिनेटली वो जो है वो इम्पॉसिबल है अंडर टेम्प्रेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स टू थाउजेंड सेवेंटीन ये टेम्प्रेरी ड्यूरेशन के लिए सिर्फ आपको सस्पेंड करना है आप उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड नहीं कर सकते हो ठीक है एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग द इंटरनेट इशूड अंडर द सस्पेंशन रूल्स मस्ट अडेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शनैलिटी एंड नॉट मस्ट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड सर्टन बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशन दैट मीन्स ए प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शनैलिटी फॉलो करना चाहिए कि जिस मकसद के साथ आपने ये लॉ लाया है और क्या उसका आउटकम है उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए और इसको एक टाइम ड्यूरेशन के बियॉन्ड आप इसको एक्स्ट्रा नहीं कर सकते और ये जो सस्पेंशन है इस सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू और कोर्ट ने कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एज एज वेल फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल ये भी आप चीज़ें कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ये आप याद रख लेना ऐसे क्वेश्चन भी प्रॉब्लम में आए हैं और आते भी हैं करंटली जो सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज है वो उसको कौन गवर्न करता है ये रूल

नार्को एनालिसिस टेस्ट देख लेते हैं रिसेंटली जो रेस्लर्स प्रोटेस्ट हुए थे डेली में उन्होंने कहा नार्को टेस्ट हमें प्रोवाइड करने के लिए इट शुड बी मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ठीक है नार्को टेस्ट में क्या होता है सोडियम पेंटोथल इसको ट्रूथ सीरम भी बोलते हैं ये पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है वो जो पर्सन की कॉन्शियसनेस है वो कम हो जाती है थोड़ा वो बेहोश टाइप का हो जाता है तो वो बिना किसी डर के फिर बात कर सकता है साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड और एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था कि जो नाको एनालिसिस ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट है वो आप कंडक्ट नहीं कर सकते हो किसी भी पर्सन पे विदाउट हिज और हर कंजेंट और जो जजमेंट है इट वाज गिवन टेकिंग व्यू ऑफ द फंडामेंटल फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स पहला ट्वेंटी थ्री राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन दैट मींस आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो अपने अगेंस्ट विटनेस जो है वो देने के लिए और आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये इंक्लूड करता है राइट अगेंस्ट क्रूअ इन ह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट तो ये जो है इन टेस्ट को लेके ये दो आर्टिकल्स जो है वो इसमें बोले गए थे जजमेंट में तो ये दो आर्टिकल्स आप इस केस को लेके याद रखोगे जो को एनालिसिस है इट इज़ नॉट एडमिसेबल एज प्राइमरी एविडेंस इन द कोर्ट एडमिसिबल नहीं है ठीक है ये भी याद रख लेना और अगर वॉलेंटरीली किसी ने एडमिनिस्टर किया है खुद को इसमें टेस्ट रिजल्ट्स में इसको इस प्रोसेस में तो जो टेस्ट रिजल्ट्स है उसको आप एडमिट करते हुए अकॉर्डिंग सेक्शन ट्वेंटी सेवन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू अब ये भी देख लो पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है इसमें कोई सब्सटेंस इंजेक्ट नहीं किया जाता है जैसे उसमें ट्रुथ सिरम आपको डाला गया था इसमें वो नहीं इंजेक्ट किया जाता है इसमें इंसान का ब्लड प्रेशर पल्स रेट ब्रीदिंग स्वेट ग्लैंड एंड ब्लड फ्लो इज ब्लड फ्लो अटैच टू द पर्सन इन चीज को आप ये करते हो मेजर करते हो मॉनिटर करते हो और देखते हो आपके जो जवाब दे रहे हो उससे इन चीज़ों में क्या असर आ रहा है ठीक है तो इस से आप ये कर पता लगा पाते हो कि वो इंसान सच बोल रहा है कि झूठ ब्रेन मैपिंग में क्या होता है पी थ्री हंड्रेड टेस्ट है ये और ब्रेन मैपिंग टेस्ट इसमें मैपिंग ऑफ ब्रेन एक्टिविटी हो जाती है राधर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर दैट मीन ये सारी चीजें नहीं इसमें ब्रेन एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है इमेजेस ब्रेन कैसी प्रोड्यूस कर रहा है हैव बीन द रिजल्ट ऑफ एडिशनल जो भी डेटा प्रोसेसिंग हो रही है एनालिसिस उससे क्या आपकी ब्रेन इमेजिंग कैसी हो रही है तो ये पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है पॉलिटी हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन थैंक यू